मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं मास्टर कैंप के अंदर मल्टी एक्सिस प्रोग्राम। आज हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है मल्टी एक्सिस का, तो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर रही है कि मल्टी एक्सिस में होता क्या। पिछले ट्यूटोरियल में हमने किया था कंटूर के साथ हम मल्टी एक्सिस प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि रोटरी का हम प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, अगर किसी ने पहले वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो वो देख लेंगे तो और इजी लगेगा आज वाला, इसलिए पहले वो वाला ट्यूटोरियल देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके बाद इसको ठीक है। तो सिर्फ समझने के लिए हम इसको कर देते हैं क्लोज, या हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं फाइल। तो ये मेरे पास एक मॉडल है जिसके ऊपर हम चीजें करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो भी रोटरी एक्सिस है वो होती है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, यानी कि जो इस चीज ने रोटेट होना है या तो वो एक्स के अलावा रोटेट होगी या वाई की। 90% मशीनों में एक्स होता है, 10% मशीनों में वाई होता है, कई मशीनों में जेड भी रोटेट होता है। जिसमें बेड रोटेट हो सकता है उसमें हम जेड भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मास्टर के में तीनों ही ऑप्शन है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, पर फिलहाल हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे एक्स की डायरेक्शन में। तो 90 डिग्री इसको मैंने रोटेट कर लिया। अपर मेरे को 0 जो है वो आगे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वायर फ्रेम में जाके बाउंड्री बॉक्स बना लूंगा। रेक्टेंगल चाहिए रेक्टेंगल बना सकते हैं, सिलेंडर चाहिए स्क्वायर चाहिए, जो आपको इजी लगे। मुझे इनको लग रहा है कि सर्कल ठीक रहेगा क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्म करते हुए सर्कल का सेंटर पॉइंट इजीली ले सकता हूँ। अब ये मेरा 0 सेटिंग, जितनी भी वायर फ्रेम एंटिटीज है उनको मैं सेलेक्ट करके ब्लैंक कर, क्योंकि सर्कल का मुझे कोई काम नहीं। स्टॉप दे सकते हैं, उस स्टॉप में मैं ये मॉडल को ही सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम सीधा फिनिशिंग का ऑपरेशन में, अगर ये लकड़ी का होगा तो हम एक ही बार में काट देंगे सारा, ठीक है। रोटरी एक्सिस ज्यादातर लकड़ी के काम में यूज होती है, ठीक है। मैकेनिकल का भी बताऊंगा मैं, अगर लोहे को काटना तो क्या करेंगे, उसका भी तरीका समझेंगे हम, ठीक है। तो फिलहाल हम सोच रहे हैं कि हम एक ही बार में सारा मटेरियल काटते हैं। फिलहाल टूल पाथ जो हमने यूज करना है वो है रोटरी फिनिश, ठीक है। क्रिएटेड टूल पाथ अलोंग और अराउंड द रोटरी एक्सिस, या तो अलाउंड चलेगा या अराउंड चलेगा। सबसे पहले ये टूल पूछता है आपको किस टूल से कटिंग करनी है, टूल बता दो। कट पैटर्न में आपको सरफेस बतानी है भी किस सरफेस पे आपके कटिंग करनी है, तो मैंने ये सरफेस बता दी इसमें। सरफेस बता दी, रोटरी कट हम बनाना चाहते हैं, कंपोजिशन ऑन है यानी कि लेफ्ट में चलाना चाहते हैं हम टूल को, ठीक है। स्टॉप टू लीव ऑन द ड्राइविंग सरफेस, कितना मटेरियल छोड़ना चाहते हैं उसको बाद में देखते हैं। फिलहाल हमारे को टूल एक्सिस चेक करना जरूरी है, तो टूल एक्सिस कंट्रोल में हमारी 4 एक्सिस होना जरूरी है यहाँ पे, और रोटरी एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस। अगर मैं किसी और किसी पर्टिकुलर 30 डिग्री पे 40 डिग्री पे कोई चीज पड़ी है उसको कोई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से वेक्टर सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। 4 एक्सिस का पॉइंट कहाँ है, हमारा सेंटर पॉइंट ही है तो इसलिए हमारे को छेड़ने की जरूरत नहीं। फिलहाल मेरी रोटरी एक्सिस एक्स एक्सिस है, बिल्कुल ठीक है। स्टेप ओवर कितना चाहिए वो बता सकते हैं, लीड इन लीड एक्स। अगर मेरा टूल मैं चाहता हूँ ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते, जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आएगा तो ये तो हमारा बहुत सिंपल पार्ट है। अगर जैसे कोई मूर्तियां मूर्तियां बनाना पड़ता है जिसमें मेरे को टूल को टिल्ट करने की जरूरत है, तब हम ये लीड
एंगल डाल सकते हैं, फिर टूल थोड़ा बहुत हिल सके, ठीक है। और उसके लिए फिर आपकी मशीन में टूल जो है फिट करने वाला होना चाहिए। कोलिजन कंट्रोल है, अगर हमारे को चेक करना है कि हमारा मटेरियल कहीं टच तो नहीं हो रहा, टूल कहीं टच तो नहीं हो रहा, कोई शार्प कोई तो उसके साथ शैंक के साथ तो नहीं टच हो रही या कुछ और। एक सेकंड, ओके, तो हमने इसको जनरेट कर दिया, तो ये हमारा टूल पाथ सामने आ गया। अब हम टूल पाथ पे क्लिक करके इसको प्ले करके देख सकते हैं, पर ऑप्शन में जाके हम रोटरी एक्सिस ऑन कर देते हैं, सिमुलेट रोटरी एक्सिस, ताकि मैं इसको चला के देख सकूं। इसको स्पीड स्लो कर लो, प्ले का बटन दबाएंगे तो हमारी रोटरी में मूव करने लग जाएगी। तो बेसिकली ये फिनिशिंग का टूल पाथ है और सरफेस के ऊपर चलता है। और इसमें हमारे पास एक ऑप्शन और थी कि हमारे को कहाँ से लेके कहाँ तक चलाना है। अगर मैं रफिंग में एब्सोल्यूट वैल्यू भर दूं कि जीरो से लेके -10 तक चल, दैट मीन्स मुझे, मैंने इसको बोला जीरो से भी मुझे -10 से लेके -60 तक चलना, ठीक है, 60 70 बराबर कॉपी करेंगे तो ये उतने उतने एरिया में कटिंग करेगा। आगे से छोड़ दिया, पीछे से छोड़ दिया, उतने एरिया में कटिंग करेगा जितना हमने एब्सोल्यूटली उसको बता दिया। ये जीरो मेरा स्टार्टिंग में -10 से -60 किसी पर्टिकुलर एरिया में चलना। अगर आपको पूरे में चलाना है तो आप इसको टैब सेलेक्ट भी कर सकते हैं, तो मुझे यहाँ तक चलाना। नहीं आ रहा, और शुरू कहाँ से करनी है, मिनिमम कहाँ से करनी है, जीरो से, तो जो पॉइंट हमने सिलेक्ट हो गया वहां तक चलना, जीरो से लेके वहां, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि अगर मुझे एक बार में कटिंग नहीं करनी, मुझे 2 3 बार कट मारने हैं, है ना, कई बार 4G का पीस आ जाता है जिसमें 1 mm मटेरियल एक्स्ट्रा है या 2 mm मटेरियल एक्स्ट्रा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, हम इसको हाइड कर देंगे, सरफेस में जाएंगे, सॉलिड फ्रॉम सरफेस, इस सरफेस को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और ऑफसेट कर देंगे जो हमने सरफेस क्रिएट। कितना ऑफसेट करना है वो हमारी मर्जी है, तो कर दिया हमने इसको ऑफसेट। तो यहाँ पे इसके आसपास 1 2 mm की सरफेस और इसी टूल पाथ को कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट किया, एक और टूल पाथ आ गया। अब नीचे वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, ऊपर वाले की ज्योमेट्री चेंज कर, एक नंबर वाले ज्योमेट्री में हमारे को सरफेस बार वाली सिलेक्ट, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, ओके कर दो। तो ये जो दोनों टूल पाथ हमारे जनरेट हो गए, हम क्या करेंगे, जितनी मेरी सरफेसेस है उनको मैं वापस से ब्लैंक कर दूं। अब मेरे पास यहाँ पे 2 कट है, ऐसे अगर आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा बना सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे 2 कट है, यानी कि एक कट रफिंग के लिए हो गया, एक फिनिशिंग के लिए हो गया, 2 mm का कट है। अब उसकी वैल्यू चेंज कर दो, ऑफसेट की 0.5 कर दो तो 0.5 ऑफसेट हो जाएगा, 2 की जगह 3 कट मारने तो 2 बार ऑफसेट कर लो, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट करके ज्योमेट्री चेंज करनी है, दैट्स इट, ठीक है। एक तो बड़ी अच्छी लाइन है, कहता दिखावे में मत जाओ अपनी अकल का, और उसके बाद वेरीफाई करेंगे। यहाँ से सबमिट कर सकता हूँ, कर सकते स्पीड स्लो कर सकते, देखो ये ऊपर चल रहा है थोड़ा सा। एक चीज और भी कर सकता हूँ मैं,
मान लो ये टूल पाथ मेरे पास नहीं है, ये वाला, तो मैं इसी टूल पाथ के अंदर स्टॉक छोड़ सकता हूँ। तो आपको सरफेस ऑफसेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ना पहले एक बार ये दो ऑफसेट करके चला लो, फिर उसके बाद जैसे हमने दो ऑलरेडी चला लिया है ना, तो हम यहाँ पे एक एम छोड़ देते हैं और फिर इसी इस सेकंड वाले को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, और अब की बार जो अब हम जीरो कर देते हैं, यानी एक एक एम एम के मेरे तीन कट लग गए। मेरे पास तीन कट है एक एक एम एम, तो अगर मेरे पास मटेरियल ज्यादा है जैसे फोर्जिंग के मटेरियल जो आता है ना कंपोनेंट, उसमें एक दो एम एम तीन एम एम मटेरियल लगो मान लो, तो हम इस तरीके से उसको चला सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि रफिंग का प्रोग्राम कैसे बना, तो रफिंग का प्रोग्राम इस तरीके से बना सकते हैं, है ना, जहां तक हम सिंपल टर्न कर लेंगे उतना हम कर सकते हैं, उसके बाद हम ऐसे चला लेंगे और इसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि हमने स्टॉक्स स्टॉक मॉडल को ही ले लिया था, तो ये कटिंग तो कुछ नहीं करेगा, पर हम सिमुलेट करके देख सकते हैं, यहाँ से सिमुलेशन में हम मशीन भी ले सकते हैं उसके हिसाब से। यहाँ से वेरीफाई कर लो, तीनों टूल पाथ है हमारे पास यहाँ पे, वेरीफाई कलर लोग कर देंगे और ये तीन अलग अलग कलर में आ जाएंगे और टूल पाथ हमारे को देखना है, वायर फ्रेम हमारे को देखना नहीं, देख करो। ये था हमारा मल्टी एक्सिस में रोटरी का टूल पाथ है, ठीक है, फोर एक्सिस रोटरी, जितने भी लकड़ी का काम होता है राउटर मशीनों पे उन सब पे ही हमारे को काम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है, सबके साथ वीडियो शेयर करनी है, कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी है, कंप्लीट कोर्स के लिए चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।